बिहार एनडीए में भी फूट साफ दिखाई दे रही है। भले ही पटना दिल्ली में सब एक हो, लेकिन जमीन पर ये दोस्ती मुश्किल दिखाई देती है। ये नजारा है कटिहार का। मंच के पीछे बैनर लगा है होली मिलन समारोह का, लेकिन होली मिलन समारोह के बैनर के बहाने नजारा है शक्ति प्रदर्शन का। चुनाव की घोषणा के बाद से टिकटों के लिए दौड़ जारी है। लोकसभा चुनाव में टिकट कटिहार से किसे मिलेगा, इसके लिए हर कोई दम लगा रहा है। इधर कटिहार जेडीयू के कोटे में जाने के बाद से बीजेपी में आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। सम्मेलन पूरे कटिहार की जनता का है। कटिहार की जनता का मांग है कि हमारे वैसा सांसद हो जो इस कटिहार से लोकल हो और उनकी समस्या को सुने। अशोक अग्रवाल जी MLC होते हुए भी उनको जो है एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। कटिहार की लोकसभा की जनता के मूड मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पर जो आए हुए हैं, ये पूरा जिला से आए हुए हैं, आप इनके कैमरा घुमाइए और देखिए क्या मूड है, क्या डिमांड है, उनका क्या मांग है। उनके जो कार्यकर्ता का जो मांग है कि हमारा सांसद अशोक अग्रवाल जैसा ही होना चाहिए, इसके बाद कोई कॉम्प्रोमाइज वो नहीं चाहते, इससे नीचे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते। ठीक है, जदयू को सीट दिया गया है, ये शीर्ष नेतृत्व को एक बार सोचना पड़ेगा। अभी तक जो है नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है और हम चाहते हैं शीर्ष नेतृत्व फिर से इस पर एक बार विचार करे और अशोक अग्रवाल जी और यहाँ के कटिहार की जनता को मांग पूरी करे। आक्रोश की वजह NDA के शीर्ष नेताओं के द्वारा कटिहार सीट को BJP को नहीं देकर JDU को दिए जाने पर है। कटिहार के BJP कोटे से MLC अशोक अग्रवाल चुनाव लड़ने के फुल मूड में दिखाई दे रहे हैं। 2009 से NDA में रह के विधान पार्षद के रूप में लगातार लोगों की सेवा, कटिहार जिले के सातों विधानसभा की लोगों की सेवा हम लोगों ने की है। और आज 2014 में जो हमारे NDA के उम्मीदवार थे वो चुनाव हारे थे, और इस बार 2019 में फिर दोबारा जब चुनाव का टाइम आया, लगातार हम उस क्षेत्र में बने हुए थे। क्षेत्र के लोगों की इच्छा है कि NDA का उम्मीदवार, जिताऊ उम्मीदवार मैदान में आए। उसी के निमित्त जब परसों मालूम हुआ लोगों को ये सीट जनता दल यू के खाते में चली गई है, NDA के खाते में जनता दल यू में चली गई, तब से लोगों का काफी फोन आ रहा था कि भैया एक मतलब मीटिंग रखा जाए। अग्रवाल ने BJP या JDU के खिलाफ खुलकर बगावती तेवर तो नहीं दिखाए, पर जनता को ढाल बनाकर दोनों पार्टी के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन जरूर कर दिया। जदयू के खाते में चली गई, तब से लगातार जो कार्यकर्ता है हमारे क्षेत्र के, जो कटिहार जिले की 200 पंचायत है, उस पंचायत के प्रतिनिधि और वहाँ की आम जनता, आम लोगों को फोन आना चालू हुआ कि भैया एक मीटिंग रखिए आप लोग, जो ये खाते में अगर सीट गई है तो जिताऊ उम्मीदवार यहाँ पर मैदान में आना चाहिए। उसी नियमित ये बैठक रखी गई है और उसमें जो हमारे हजारों कार्यकर्ता जो कटिहार जिले के हैं, कटिहार लोकसभा क्षेत्र के हैं, वो लोग पहुँचे हुए हैं, उनकी जो राय होगी उसी राय पर हम लोग आगे का डिसीजन करेंगे। अब पार्टी चुनाव से पहले इन फैलते रायतों को कैसे समेटेगी ये देखना होगा, क्योंकि अगर दिल्ली और पटना का गठबंधन जमीन पर नहीं उतरता है तो NDA के लिए ये भारी परेशानी वाली खबर है। कटिहार से विपुल राहुल, बिहार तक।